स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर टेक्निकल रिसी चैनल पर। तो गाइस आज हम बात करेंगे बोट स्टॉर्म कॉल के बारे में, जो कि ये स्मार्ट वॉच है, कुछ इस टाइप से दिखती है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे कैसे कनेक्ट करते हैं फोन से और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इसमें। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस इस वॉच को आपको कनेक्ट करने के लिए इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, बोट वियरेबल। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर आपको दोनों पे मिल जाएगा। सो इसे हम डाउनलोड होने देते हैं और कुछ हम बेसिक सी चीज़ें के बारे में देखेंगे हम इस वॉच में। यहाँ पर देख सकते हैं 1.69 इंचेस का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा, HD में डिस्प्ले मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है, यहाँ पर स्ट्रिप की भी क्वालिटी सही है, ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, जो कि वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से कनेक्ट हो जाता है और चार्जिंग आपकी होने लग जाती है। और हम बात करते हैं, यहाँ पर सेंसर दिए गए हैं और यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया गया है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आपको बटन मिलेगी एक, आप इसे निकाल भी सकते हो बेल्ट को। जी हाँ गाइस, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा हो तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आप चेंज भी कर सकते हो और आप लगा भी सकते हो। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर परमिशंस दे देनी है। सो गाइस यहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको जिसकी भी नोटिफिकेशन चाहिए इसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी वॉच सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे यहाँ पर ये स्टॉर्म कॉल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और अलाउ पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो आपको कर लेना है और आपका फ़ोन अगर दूसरा भी होगा तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको सेटअप कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन भी ऑन रहनी चाहिए। सो गाइस यहाँ पर स्टॉर्म कॉल का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर हम पेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेयर सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पर और ये वाइब्रेट भी होना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी है, मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी डाटा है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायरेक्ट मेरे फ़ोन में दिख रहा है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत से फंक्शन देखने को मिलेंगे। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम वॉच के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे फिटनेस के फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 8 आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। आप मीन्स अगर आप धूप वगैरह आउटडोर में जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन, कॉलिंग का ऑप्शन भी है और यहाँ पर आप इस ऐप से भी, इससे भी आप स्कैन कर सकते हो और यहाँ पर अपने डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देख सकते हो वॉच फेसेस मिल जाते हैं, यहाँ पर इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको स्क्रीन टाइम भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसे 10 सेकंड का कर सकते हो कब बंद होना। अगर आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ भी आपको सेटिंग्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स में वही देखने को मिलेगा आपको, 8 स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्रीथ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर टच टू स्टार्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि आप कैसे इसे इनहेल करना है, इनहेल मीन सांस लेना है, एक्सहेल करना है, आपको सांस छोड़नी है। इससे आपको मेडिटेशन भी होगा, इससे आपके एक प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी 1 मिनट तक। और यहाँ पर कैमरा का फंक्शन भी दिया है,
जिससे कि कैमरा फ़ोन में स्टार्ट हो जाएगा। और हार्ट रेट भी दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं, इसे कनेक्ट करना है और यह हार्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक से फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ जिसे कि आपको पता ही होंगे, बट मैं इसमें आप ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको फटाफट से बता ही दे रहा हूँ। बेक करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर एक बार इसे क्लिक करना होगा। फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन भी दिख रहा है और टाइमर भी आप देख सकते हो। सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको वही सेटिंग्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं हार्ट रेट वगैरह, स्लीप का, वेदर का आपको देखने को मिल जाएगा। अब मेन आते हैं यहाँ पर आपका कॉलिंग के फीचर्स पर। किसी किसी में गाइस कॉलिंग का फंक्शन ऑन नहीं होता है तो क्या करना है, अब ब्लूटूथ आपको ऑन रहने देनी है और उसमें आपको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन रखता हूँ यहाँ साइड में और यहाँ पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसमें इसी में आवाज़ आ रही है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आप देख सकते हो, स्पीकर से ही आ रही है। आप यहाँ से वॉल्यूम भी कम कर सकते हो और इसे आपको काटना हो तो यहाँ काट भी सकते हो। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हैं, 10 कॉन्टैक्ट्स आप कम से कम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी रिसेंट कॉल रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन भी, अगर आप फ़ोन में म्यूज़िक चलाओगे तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके वॉलपेपर चेंज के बारे में। अब आपको इसका वॉलपेपर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वॉच वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और वॉच फेसेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। अगर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है इसमें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कस्टम वॉच फेस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चूज़ फ्रॉम गैलरी में से आप गैलरी में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कुछ इस टाइप से और यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपकी फ़ोटो साइज़ सही है। और आपको यहाँ पर टाइम देख सकते हो कि अगर आपके फेस के ऊपर आ रहा है तो आप नीचे भी कर सकते हो उसे। और यहाँ पर आपका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डेट भी आप मेंशन कर सकते हो, डेट भी आपको दिखेगी डेट। एंड यहाँ पर आप स्टेप्स वगैरह कर सकते हो, हार्ट रेट कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो, तो यहाँ पर स्टेप्स में कर लेता हूँ और यहाँ पर डन कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉच फेस यहाँ पर लग गया है और इसे हम ओके कर देंगे और डन कर देंगे। तो गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप लगा सकते हो अपना वॉच फेस और अपना खुद की इमेज भी लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐप नोटिफिकेशन पर आपको चेक कर लेना है कौन कौन से आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे अदर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अदर्स जो भी दूसरे भी मैसेज रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर साइड में लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना है तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जो जो भी मैसेज वगैरह आए हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फिर आपको फाइंड डिवाइस, कैमरा वगैरह जो भी फंक्शंस रहेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपका अकाउंट भी बना सकते हो, गूगल फिट ऐप भी यहाँ पर चलता है, जितने भी फंक्शन है वो वॉच में देखने को मिलेंगे वही आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह भी डाल सकते हो। गाइज़ ये थोड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक मीन जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है, मैंने देखा है कि जिसको भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम रहती है वही मैंने टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर किए हैं, जिससे कि आपको मीन्स जैसे वॉलपेपर वाला हो गया और कॉलिंग का फंक्शन हो गया वो आपको मैंने हाईलाइटेड ज़्यादा बताए हैं, क्योंकि गाइज़ बहुत सो को इसमें ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये वॉच है और वैल्यू फॉर मनी है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1700 to 1800 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर आप नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।